नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एडवोकेट अमित पांडे, हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश नालसोई फैकल्टी एटला हाउस। और आज मैं यूपीएसआई को लेकर कुछ अपडेट्स लेकर के आ गया हूँ। इसमें एक बड़ी जानकारी यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक सूचना निकल के आ रही है कि एविडेंस एक्सेस में फाइल हो गई है और टेबल पर आ रही है, इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले एक चीज़ जो बहुत सारे साथी आप सब जो हमको कंटिन्यू कमेंट सेक्शन में दे रहे हैं कि जो 2016 वाले हैं उनको बोलिए कि वो डीबीपीएसटी में शामिल ना हो, इसी यही प्रॉब्लम है। कुछ लोग आपको समझा देते हैं और गलत तथ्य आप समझ लेते हैं। 2016 में जिनकी नौकरी होनी थी उनका आवंटन जिला तक का कल रात में हो गया है, परसों रात में, और वो लोग पोस्टेड हो गए, अपने थाने में चले गए हैं, जिले में चले गए। अब वो क्यों आएंगे डीबीपीएसटी में? जिस नौकरी के लिए आप जा रहे हैं उनको वो नौकरी मिल गई तब वो वापस क्यों आएंगे डीबीपीएसटी? क्यों उनको कोई शौक लगा कि वो आए अब फिर से दरोगा बनने के बाद? वो नौकरी कर रहे हैं सर, उनकी सैलरी चालू हो गई है, अब वो इंस्पेक्टर हैं, आज से सब इंस्पेक्टर हैं अपने अपने ज़िले में, तो वो क्यों आएंगे डीबीपीएसटी में? तो ये बेसलेस बात है कि उनको अपील कीजिए कि वो ना आए डीबीपीएसटी में। वो ऐसे भी नहीं आएंगे सर, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें, रिलैक्स रहें, इतना परेशान ना हो। यही सारी चीज़ें हैं जिसके लिए मुझे आना पड़ता है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पैनिक क्रिएट कर देती हैं और बाद में आप परेशान हो जाते हैं। तो ये चीज़ क्लियर है कि उनको जिला आवंटन हो गया है, उन सबको बहुत बहुत बधाई। और वो आपके डीबीपीएसटी में 2016 का कोई भी चयनित उम्मीदवार अब नहीं आएगा, ठीक है। और आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिया कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बेल आइकन दबाते नहीं, नोटिफिकेशन पहुंचती नहीं है, और बाद में कोई जानकारी छूटती है तो फिर आप मुझे सुनाते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखा कीजिए। चलिए अब आते हैं, जो एक बड़ी अपडेट ये है कि यूपीएसआई में जो कोर्ट केस फाइल हुआ था जिसमें दरवेश शर्मा, जिनको मैंने ले भी आया था अपने यूट्यूब चैनल पर, उनका उनसे मैंने बात की, तो उनका स्टेटस ये है कि उनका जो फाइल है रिट का वो एविडेंस सेक्शन में सबमिट हो चुका है और रेडी टू ऑन द टेबल के लिए आ गया है। मतलब एक प्रोसीजर होता है कि एविडेंस सेक्शन से निकलता है फिर वो टेबल पे आता है हाईकोर्ट में लिसनिंग के लिए, ठीक है। तो वो आ चुका है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप जान लीजिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोविड को देखते हुए 15 जनवरी तक काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर होल्ड कर दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों की सुनवाई चल रही है, बाकी वर्चुअल चल रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो इसलिए उम्मीद है कि ये 15 के बाद ही होगी। अशोक खरे सर की बात जहां तक है, अशोक खरे सर की प्लीडिंग चल रही है उनके केस की, वो फाइलिंग कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने रिट फाइल किया नहीं है। उसके क्या कारण है वो अशोक खरे सर जानते होंगे या उनकी टीम जानती होगी, लेकिन रिट अभी तक उनकी फाइल नहीं हुई है। ये एक दूसरी अपडेट थी। और एक और चीज़ बताऊँ आपको कि एंसर की जहां तक बात आ रही है या रिजल्ट की बात आ रही है, मुझे इसमें भी ऐसा लग रहा है कि चूंकि 15 तारीख तक शटडाउन किया गया है तो काफ़ी सारे सरकारी कार्यालय जो है जिसमें भर्ती बोर्ड भी आती है जो 1/3 पे काम कर रही है, तो हो सकता है इसकी वजह से थोड़ा बहुत इफेक्ट हो रहा है एंसर की का, तो 15 जनवरी के आसपास में सकता आ सकता है। हालांकि रोज मैं देख रहा हूं कोई YouTube चैनल बताता है या फिर कोई पेपर बताता है, कोई न्यूज बताता है, जबकि आपको बताएं कि कल हमने देखा एक साथी जो थे वो भर्ती बोर्ड में गए थे, वहां उन्होंने पता किया, उनको साफ शब्दों में यह कहा गया कि हमारे पास कोई सूचना नहीं है, जब भी रिजल्ट आना होगा आपको यूपीएसआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे रिजल्ट मिल जाएगी। तो ये कोई कह रहा है रिजल्ट आ गया, कोई कह रहा है रिजल्ट पब्लिश हो गई, कोई कह रहा है शाम तक आ जाएगा। सर जो भी आना है वो आपके नोटिफिकेशन में आएगा। ये जो तथ्य हो सकते हैं ना, इनके वजह से डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि देखिए कोविड को लेकर के 15 तारीख तक चीज़ें काफ़ी हद तक क्लोज रहेंगी, ठीक है। तो अब आप इसके ऊपर अपना बना सकते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो एविडेंस सेक्शन में गया हुआ है उसमें एक चीज़ देखिए कि मुझे परसों एक साथी ने एक स्क्रीन शेयर किया था, जो वीडियो जो आप लोग देख रहे थे ना, एक फ़ोटो जिसमें लैपटॉप में दिख रहा था कि वो वर्चुअल नेटवर्किंग कंप्यूटिंग करके और दिखा रहे थे, उसका मुझे एक मेल आया है जिसमें उन्होंने दिखाया कि सर देखिए कि मतलब इसमें क्या है और उसमें क्या है। और मुझे भी वो देख के ये लग रहा है कि वो जो है ना वो एडिटेड फ़ोटो है। आप भी जब उसको ध्यान से देखेंगे तो उसके यहाँ पर जो उसका मेन स्क्रीन है वहाँ पर कलर चेंज है दोनों का। तो इस तरह के जो है ना एविडेंसेस वो ऐसे ही फेक हो जाएंगे कोर्ट में। तो जो लोग कोर्ट को लेकर के परेशान हैं वो उनके ग्राउंड्स को लेकर के थोड़ा सा रिलैक्स रखें, क्योंकि जितने भी एविडेंस अभी तक आपने देखे हैं फर्जीवाड़े के वो कोर्ट में प्रूफ होने थोड़े से मुश्किल हैं, ठीक है। लेकिन एविडेंस की स्क्रूटनी हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, एक और ज़रूरी चीज़ जो मैं आप सबसे बोलना चाहता हूँ कि देखिए ये सारी चीज़ें ठीक हैं, एग्जाम आ रही हैं, रिजल्ट्स भी आ ही जाएंगे, आपकी परीक्षा भी चलती रहेगी, कंटिन्यूटी रहेगी, आपका जॉब भी हो जाएगा, जिनका हो रहा है उनका हो भी रहा है। लेकिन इसमें जो है ना हम सब जो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि कोविड को लेकर के इलेक्शन चल रहे हैं या ऐसा है वैसा है, बाकी सब चीज़ हो सकती है, खाली परीक्षा नहीं होगी, रिजल्ट, ये भी ठीक है।
लेकिन एक चीज़ ये भी है कि कोविड है, कोविड एक बीमारी है। आपने हमने पिछले साल देखा है कि इस बीमारी ने उत्तर प्रदेश में क्या हाल किया है, कैसे लाशें गंगा में जली हैं, कैसे हॉस्पिटल नहीं मिले हैं। तो ये बीमारी जिस तरीके से फैल रही है ना, ठीक है भर्ती बोर्ड को अपना काम करने दीजिए जैसे भी चल रहा है, लेकिन इस बीमारी को आप साथियों हल्के में ना लें। ये बीमारी खतरनाक है, आप खुद देखिए आपके हर रिश्तेदार में कोई ना कोई। मुझे ये बातें कहने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आज मैं इस सोशल मीडिया पे आप सबके साथ जुड़ा हूँ और मैं अगर हर बिंदु पे ध्यान दिला रहा हूँ, तो ये भी मेरी एक जिम्मेवारी है, ये मेरा दायित्व है कि मैं आपको इसके बारे में भी अवगत करूँ। हो सकता है कि मेरी बातों से आप पे थोड़ा सा भी प्रभाव पड़े तो मैं खुद को गौरवान्वित समझूँगा। तो ये है कि कोविड है, इसको आप मजाक में ना लें, अन्यथा ना लें। अपनी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि आप कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। आप सबको, सब जो हैं फील्ड में जा रहे हैं, रनिंग के लिए जा रहे हैं, पता है कि रनिंग के टाइम में आप मास्क वियर नहीं कर सकते हैं, सफोकेशन होने लगती है, आप दौड़ेंगे फिर मास्क कैसे लगेंगे। लेकिन ये प्रयास तो कर सकते हैं साथी कि आप थोड़ी सी दूरी बनाकर दूसरों से दौड़ें, किसी से ना मिले, हाथ ना मिलाए, सैनिटाइज करके रखें। इन सारी बातों को बोलने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये चीज़ें ना छोटी छोटी माइन्यूट होती हैं। लेकिन क्या हो कि अगर आपको DBPST के लिए बुलाया जाए और भगवान ने करे आप इस तरह की प्रॉब्लम्स में आ जाएं, क्योंकि पब्लिकली लाइफ में हम सब जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और बीमारी निकल रही है। 1200 केस उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं एक दिन में। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ आ गई तो फिर आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए ये फ्रस्ट्रेशन अलग चीज़ है, लेकिन आप इस बीमारी को हल्के में न लें। इस बीमारी ने बहुतों को बिगाड़ा है और एक बार फिर से ये आ चुका है, तो अपना ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए। बाकी जो कोर्ट की अपडेट है उसमें यह है कि 15 जनवरी के बाद इसकी हियरिंग हो सकती है, क्योंकि अभी 15 जनवरी तक कोर्ट ने सारी चीज़ों को होल्ड बाई पे रखा है, बस जरूरी इंपॉर्टेंट काम निपटाए जा रहे हैं। तो 15 जनवरी के बाद जो सूचना आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। साथ ही एक चीज़ देखिए कि इसमें जो क्या कहते हैं भर्ती बोर्ड की तरफ से जो आ रही है बात, वो ये है कि भर्ती बोर्ड में भी जो अभी फिलहाल की जो संख्या है वो 1/3 हो गई है। सारे सरकारी कार्यालयों में इस वक्त थोड़ा सा 1/3 का काम चल रहा है। तो मेन पावर की शॉर्टेज की वजह से भी हो सकता है इन चीज़ों पे, क्योंकि फाइनल अप्रूवल जो होता है वो बोर्ड जो होती है ना, जो एग्जाम कराती है संस्था, वो भेजती है रिजल्ट को और भर्ती बोर्ड से फाइनल अप्रूवल होके आता है, स्क्रूटनी होके आती है। तो हो सकता है कि इसकी वजह से जो देरी हो रही है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि साथी जो हैं वो 12 तारीख को रिजल्ट के लिए एक मुहिम शायद शुरू करना चाहते हैं। मैं भी उनको आज समर्थन करूंगा जितना मुझसे हो सकेगा। भैया आप अगर ट्यूटर ट्रेंड करना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं, आप अगर आप में से कोई मुझे बताएगा तो मैं उसकी लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि जो बाकी साथी जो UPSI के हैं और जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो भी आपके सपोर्ट में आ जाएं और 12 तारीख को जो आप लोग जो मुहिम छोड़ने वाले हैं रिजल्ट को लेकर के, उसमें आपका सहयोग हो सके। पर एक चीज़ क्लियर, आप अपना ख्याल जरूर रखिए, सुरक्षित जरूर रहिए, कोरोना को हल्के में मत लीजिए। मुझे पता है आप सबके अंदर गुस्सा है, आपको लग रहा होगा कि मैं व्यूज बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन ये बात नहीं है कि व्यूज बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ या मतलब वाच वार बढ़ाने के लिए। भैया बात यह है ना कि ये सच में सीरियस है, हमने खोया है अपने परिवार में। आप सब देखिए आंखें उठा करके, किसके परिवार में इस कोरोना ने कुछ ना कुछ हानि नहीं की है। तो इसके गाइडलाइन का पालन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जितना हो सके आप कोविड को सीरियस लें और अपने आप को जितना बचा के रखना है उतना बचा के रखें। साथ ही DBPST में जाते वक्त भी आप अपने आप को प्रॉपर प्रक्योर करके जाएं। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी आपके मन में क्वायरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और बाकी कोई भी नई अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। ये बस आज की छोटी सी अपडेट थी जो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए और आप सब सुरक्षित रहें, कोविड के इस माहौल में खुश रहें। आप सबका चैन जय, प्रणाम।